Not so. लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर घट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के कई गांव में नदी का पानी घुस गया है, जिससे आम जनमानस सहित कई किसान परेशान हैं। सिद्धार्थनगर जनपद में जितनी भी नदियां बह रही हैं, सभी उफान पर चल रही हैं, जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। भैया पानी भर गया है, गांव तक चला गया है। अब 500 मीटर ही बांधवे काट दिए है। हाँ, बहुत तबाही मचा है। जान लो कि धनहरा पेड़ारी कुल 2-3 गांव पानी पानी है। 500 बीघा तक हरियन नहीं, अब चलिया ये हरियन। हाँ, एकदम बांधो सड़के बहा दिए, बांधो 500-600 मीटर काट दिए, पानी भर गया जा तक गंगमाग भरत है, पानी पानी है। यही मचा है, साफ गुजर बिच्छू जोन है तो कुल गाँव भागत है। गांव में पूरा पानी भर गया है और बंधा भी कट गया है, करीब करीब 50 लट्ठा करीब बंधा कट गया है, उसके अंदर भी नदी घुस रही है और पूरा गांव सैलाब होता जा रहा है। प्रशासन से इस यही मांग करते हैं कि इसका व्यवस्था किया जाए, नहीं तो पूरा गांव डूब जाएगा। के नवखान में भी मतलब सूस भाई आ गए, डर लग रहा हलने में, वहाँ साँप वाप सब भी निकल रहे हैं। 400-500 बीघा काट करके नदी हम लोग का खेत बंधे के करीब आ गई है और 500 मीटर बंधा भी कट गया है और पानी पूरा हम लोग के गांव के तरफ आ रहा है। बहुत डर लग रहा है भाई उधर आने जाने का भी। इस समय राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पेडारी नेबुआ गांव में बना बांध लगभग 500 मीटर नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी में समा गया है, जिससे पेडारी मछिया सोंखर फतेहपुर सहित दर्जनों गांव में नदी का पानी घुसने की वजह से गांव के सड़कों व खेतों में पानी भर गया है। खेतों में नदी का पानी भरने से किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ग्रामीणों को रहन सहन व आवागमन में बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बंधे कटान का मुख्य कारण है कि बांध में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसे समय रहते नहर विभाग ने ध्यान नहीं दिया। गांव के लोगों को खाने पीने व दवा लाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, लोगों को पानी में घुसकर आना जाना पड़ता है। हर साल किसानों को इसी तरह नदियों के किनारे बसने वाले गांव के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। गांव के किसानों का कहना है कि पहले नदी गांव के बंधे से लगभग 300 से 400 बीघा दूर बहती थी, लेकिन वर्तमान समय में नदी गांव के बंधे से सटकर बहने लगी है, जिसके कारण नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी ने लगभग 500 मीटर लंबा बांध नदी के बहाव में काट दिया है। इस बारे में डुमरियागंज एसडीएम त्रिभुवन कहते हैं कि कुछ जगहों बंधों में गैप रह गया था, जिसकी वजह से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ गांवों में समस्या आ गई है। डीएम के निर्देश पर तटबंधों का निरीक्षण किया जा रहा है। बाढ़ को लेकर लगातार कंट्रोल रूम में सूचनाएं भी दी जा रही है। तो ये थी इंडिया टाइम समाचार एजेंसी के लिए सिद्धार्थनगर से अब्दुल रज्जाक की रिपोर्ट। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि सारे तटबंधों का निरीक्षण कर लिया जाए। हमारी रेवेन्यू टीम ने, तहसीलदार नायब तहसीलदार ने सारे बंधों का निरीक्षण किया। ऐसा भी बात है कि कुछ बंधे हैं जहाँ पर गैप है, जिसकी वजह से जब पानी का लेवल बढ़ता है थोड़ा पानी या कटान होती है, लेकिन वर्तमान में कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। और बाकी हमारी टीम जो पाल कानपुर की टीम लगी हुई है क्षेत्र में और लगातार हम लोगों को कंट्रोल रूम में सूचनाएँ दे रही है। Smart Sound.